देख रहे हैं द भारत शो। बीजेपी की हरियाणा में स्थिति बेहद खराब है, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई बड़े बदलाव किए हैं। यहां तक कि बीजेपी की सरकार भी गिर गई है। अब नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं बीजेपी के तरफ से, और ये मुख्यमंत्री जो है वो नायब सिंह सैनी है। अब जैसे ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई, उसके बाद से ही जो बीजेपी समर्थित मीडिया है, जो ऑन एयर मीडिया जिन्हें बोला जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहता है, वो किस तरीके से इन खबरों को बीजेपी के अकॉर्डिंग प्लांट कर रहा है। यानी कि पहले तो एक तरीके से आप फैसला लेंगे, उस फैसले को सही ठहराने के लिए आप मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, और वो मीडिया जुट गया है। बहुत सारे मीडिया चैनल जो हैं वो ये दिखा रहे हैं, देखिए हमने ट्विटर हैंडल पर ये डाला था, हमने फेसबुक पर ये डाला था, इंस्टा पर ये डाला था कि बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बदलती है तो उसे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो वहां पर देखिए इतने परसेंट लोग ये कह रहे हैं कि फायदा होगा, इसका मतलब ये फायदा हो रहा है। ये हरियाणा के लोग हैं क्या? ये हरियाणा के वो लोग हैं जो वोट करने जाएंगे, वो ये बता रहे हैं क्या? अब इस तरीके से मीडिया जो है वो मैनेजमेंट शुरू हो गया। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलते ही बीजेपी ने लोकसभा की 10 की 10 सीटें लॉक कर ली। अब इन लोगों को रियलिटी क्या है वो शायद समझ में नहीं आ रही, या फिर ये जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नायब सिंह सैनी का अगर इतिहास ध्यान से देखा जाए तो वो अपने पत्नी को एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जिता पाए। जी हाँ, आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, वो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, और उनकी पत्नी ने पंचायत का चुनाव 2022 में नवंबर में लड़ा था और बुरी तरीके से हार गई थी। वो किस तरीके से हारी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंचायत के चुनाव में वो चौथे नंबर पर आई थी। अब आप सोचिए, जो अपने पत्नी को पंचायत का चुनाव नहीं जिता सकता, क्या वो बीजेपी को लोकसभा में 10 सीटें दिला पाएगा? जो ये बीजेपी समर्थित मीडिया लगातार ये राग अलापे हुए कि देखिए नए मुख्यमंत्री आ गए हैं हरियाणा में, बीजेपी ने बड़ा कार्ड चल दिया है, और इससे फायदा ये होगा बीजेपी को कि बीजेपी को 10 की 10 सीटें एक बार फिर से मिल जाएंगी हरियाणा में। अब हो सकता है कि बीजेपी ने कोई दूसरा मैनेजमेंट कर रखा हो, जिस पर लगातार बीजेपी पर आरोप लगते हैं, विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं ईवीएम को लेकर, और जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ वो सारी चीजें जो है अगर ये दिखाई देती है हरियाणा में तो फिर स्थिति बदल सकती है। बल्कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो यही है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है। हिसार की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है, अंबाला की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई है, और ये तभी निकल गई जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई, विधायक दल की जो बैठक है उसमें उनके नाम की घोषणा की गई। अनिल विज वहीं से नाराज होकर निकल गए, और तभी से यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के हाथ से अंबाला की भी सीट जा रही है। जाटलैंड में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, बीजेपी हर बार बुरी तरीके से पिटी है। और बीजेपी की स्थिति इतनी खराब थी कि बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी नहीं ला पाई है हरियाणा की, कि जिन 10 सीटों पर किसको वो उतार रही है, और इसीलिए अब मैनेज करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही थी। जेजेपी के साथ गठबंधन जो है वो भी बीजेपी को तोड़ना पड़ा, उसकी सरकार गिरी। ये सारा जो खेल है वो इसीलिए दिखाई पड़ा क्योंकि मोदी को ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को दिलानी है ताकि मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, और इस काम में संघ भी लग गया है, इसीलिए संघ के तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो बीजेपी का कार्ड है कितना कामयाब होता है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हुआ और मध्यप्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जो विपक्ष आवाज उठाता रहा है कि ईवीएम में मैनेजमेंट क्या क्या है, और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में तो आपने देखा ही किस तरीके से अधिकारी ही बीजेपी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, और पूरी दुनिया में ये पता चलता है कि कैसे बीजेपी को एक छोटे से चुनाव में धांधली करवाया जाता है, वो भी चुनाव आयोग के एक अधिकारी की तरफ से। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी को लोकसभा के लिए डर बेहद ज्यादा है, और इसीलिए वो ये तमाम हथकंडे अपना रही है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि नायब सिंह 10 की 10 सीटें बीजेपी के लिए लॉक कर रहे हैं, बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही हैं, उनको नायब सिंह की हिस्ट्री देखनी चाहिए, और जो नाराजगी हरियाणा में चल रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए।